क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। अगर कुछ तैयारी नहीं कर पाए हो या नहीं कुछ सोचा है तो कोई बात नहीं, बिना टेंशन के आज ये मजेदार सी पेस्ट्रीज बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। यकीन मानिए, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इन पेस्ट्रीज को बिना केक के बनाया है, बिना अवन के बनाया, बिना गैस के बनाया है। बहुत ही अमेजिंग पेस्ट्री घर में बनाइए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। नॉर्मल सी ब्रेड ले लीजिए जो हमारे घर में आती है। व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं और व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। मैंने 4 पीस व्हाइट ब्रेड ली है और 4 पीस व्हीट ब्रेड ली है। दोनों के एजेस हम काट लेते हैं। काटने के बाद बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो पीसेस हैं वो इक्वल हों, छोटे बड़े नहीं हों, बस इस बात का ध्यान रखना है। मैंने बहुत पहले आपको बड़ी बड़ी सैंडविच ब्रेड से भी पेस्ट्री बनाना बताया है, लेकिन सबको यही प्रॉब्लम होती है कि इतनी बड़ी ब्रेड ना मिले तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ब्रेड से ही आज बनाएंगे। और उसके बाद अब आपकी आइसिंग की बात है, तो आप आइसिंग कैसी करना चाहते हैं। कई टाइप की मैंने क्रीम आपको बनाना बताई है कि व्हिप्ड क्रीम हम कैसे बनाएं, नॉर्मल क्रीम कैसे बनाते हैं, व्हिप्ड क्रीम को कैसे बीट करते हैं, अभी हाल ही में मैंने कपकेक के लिए बता दिया था। चलिए आज मैं आपको गनाश बनाना भी बताती हूँ, क्योंकि कई बार हमें चॉकलेट पेस्ट्री खाने का बड़ा मन करता है, जो चॉकलेटी गनाश होता है वैसे बनाएंगे। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, 200 ग्राम मैंने ले लिए चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने कट किया है छोटे छोटे पीसेस में। एक बात और, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप चॉकलेट मार्केट से लाते हो, चॉकलेट मतलब डार्क कंपाउंड या लाइट कंपाउंड अगर आप लाते हो, तो आपको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठंडों का मौसम है, आपको हमेशा बाहर ही रखना है, फ्रिज के बाहर ही रखना है, जिससे उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब उससे दूसरा स्टेप बताती हूँ कि उसे कट कीजिए, छोटा छोटा पीस कीजिए। तीसरा स्टेप ये रहेगा कि आपके पास माइक्रोवेव है तो सिर्फ 1 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। बस 2-3 बार आपको उसे माइक्रोप्रूफ बर्तन में डालकर मेल्ट करना होगा और 2-3 बार उसे मिक्स करना होगा। अगर माइक्रोवेव नहीं है कोई इशू नहीं, आप क्या कीजिए, एक पतीला रखिए पानी का, उसमें उबाला दीजिए। और पतीला वो होना चाहिए जिस पर आप कोई भी बर्तन रख सकें, चॉकलेट वाला। तो बस पतीला उबल रहा है, अब गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए, यहाँ पर चॉकलेट रख के वो मोल्ड को रख दीजिए। मोल्ड मतलब कोई भी बर्तन। ध्यान ये रखना है कि इस चॉकलेट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेप होता है, जो हमें गनाश बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें 1/2 कप 100 ग्राम के आसपास आपको डालनी है क्रीम। क्रीम आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो व्हिप्ड क्रीम डाल दीजिए या तो फिर फ्रेश क्रीम डाल दीजिए, जो आपको अमूल इजीली मिल जाती है। डालने के बाद जैसे ये मिक्स हो जाए, बस आपको मिक्स करना है स्पैचुला से या चम्मच के बैक साइड से। मिक्स करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड से आपको मिक्स करना है, सिर्फ एक ही तरफ नहीं, दोनों साइड से। जब मिक्स करोगे ना, ये गनाश बहुत ही शाइनी बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अगर कुछ जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, आपको जरा से भी लम्स आते हैं, तो छान लीजिए, हो गया आपका गनाश। चलिए अब ये गनाश तो हमें काम आ जाएगा इस पेस्ट्री के लिए, लेकिन जो आइसिंग करते हैं ना, उसके लिए आपको आखिर तक रुकना होगा। कैसे हमने उसकी आइसिंग की है और उसके लिए हमें गनाश कैसा चाहिए। गनाश को रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए और पेस्ट्री बनाने के लिए आपको चाहिए टर्न टेबल। टर्न टेबल नहीं आओ तो कोई बात नहीं, आप कोई थाली ले लीजिए, नीचे से कटोरी रख लीजिए उल्टी करके। यहाँ पर मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ टर्न टेबल पे और एक बना के दिखाऊंगी चॉपिंग बोर्ड पे। अब इसको बनाने से पहले हमें एक तैयारी और करनी होगी, क्योंकि ये ब्रेड है और ब्रेड मीठी नहीं होती है, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा पानी लेना है 1/2-1/2 कप, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल दीजिए। सादी भी डाल सकते हो, पिसी हुई भी डाल सकते हो, और उसे घोल लीजिए। जैसे मीठा पानी हमें चाहिए, अगर आपको कोई फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा एसेंस डाल दीजिए, वैसे मेरे हिसाब से नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। आज मैंने बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से आपको ये पेस्ट्री बना के दिखाई है। अब ये ब्रेड हिले नहीं तो हमें टर्न टेबल पे या चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा नीचे क्रीम या चॉकलेट लगा देना है, जिससे वो चिपकी रहे। ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा ठंडा मीठा पानी डाल दीजिए, जिससे वो ब्रेड सॉफ्ट तो है ही और थोड़ी मीठी भी हो जाए। अब ये चॉकलेट डाल दीजिए, पैलेट नाइफ से या फिर स्पैचुला से, जिससे आपको डालना है।
उसके बाद आपका मन करे इसकी हाइट बढ़ानी है तो थोड़ी थोड़ी क्रीम भी डाल दीजिए। नहीं है क्रीम, आपको सिर्फ चॉकलेट बनानी है, तो आप क्रीम को अभी और मत यूज कीजिए, सिर्फ चॉकलेट से ही आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखिए, यहाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट है ना साइज। मैं यही आपसे कह रही थी कि ब्रेड का साइज को आपको ध्यान से देखना होगा। अब वही शुगर वाला पानी आपको डालते जाना है, वही चॉकलेट डालना है, फिर वही थोड़ा थोड़ा क्रीम डालना है। इसी तरीके से आपको चार पीस तो बनाने ही हैं, आपको हाइट और बड़ी करनी है तो पांच पीस भी ले सकते हैं। हालांकि आप सोचते होंगे इतनी मेहनत क्यों करें, बाहर तो मिल ही जाती है, पर जब खुद हम कोई काम करते हैं और घर में शुद्धता से अपने हिसाब से बनाते हैं बच्चों की पसंद का, तो वो बात कुछ अलग ही होती है। हर ब्रेड को मीठा कीजिए, गीला कीजिए और इसी तरीके से अरेंज करते जाइए। और हाँ एक बात और, ये जो आज पेस्ट्री मैं आपको सरल सी बनाकर दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बहुत सारी बनाई हैं, सबकी हेल्प ली है और ब्रेड से बनाई हैं। और ये सारी पेस्ट्रीज हम जाएंगे उन छोटे छोटे बच्चों के पास लेकर एक स्कूल में, जहाँ पर हम क्रिसमस की पार्टी करेंगे और न्यू ईयर भी है तो बच्चे भी खुश होंगे। आपको तो पता है मुझे ऐसा करना बहुत पसंद आता है, तो ये जल्द आपको वीडियो भी दिखेगा कि हमने कितनी सारी पेस्ट्रीज बनाई हैं। जब हमने चार पीस लगा लिए उसके बाद हमें ऊपर से पूरा गनाश डाल देना है। आधे गनाश को मैंने रख दिया है जो मैंने बनाया था, आधा गनाश ही यूज कर रही हूँ, उसको मैं बाद में बताऊंगी। अब सब तरफ से इस गनाश को डाल दिया। वैसे जो मार्केट में पेस्ट्रीज मिलती हैं, दो साइड जो छोटे साइड हैं वहाँ पर साइडों में भी लगाते हैं, बाकी के साइड में पेस्ट्री में हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि पेस्ट्रीज के साइड में चॉकलेट नहीं होता है। पर फिर भी जब कभी हमें इसका केक भी बनाना हो ना, तो हम साइडों से लगा कर केक के तौर पर भी बना सकते हैं। तो मैंने तो चारों तरफ ही इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने पूरा गनाश जो चॉकलेट का डाल दिया है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसे क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। चलिए अब चलते हैं हम वाइट ब्रेड से बनाने के लिए। उसमें भी सेम हमें वैसा ही करना है, बस टर्न टेबल मेरे पास नहीं है। मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर ही थोड़ी क्रीम लगा दी है, एक पीस ब्रेड डाल दिया है और फिर उसमें वही शुगर वाला पानी डाल दिया है, फिर मैंने वही नॉर्मल क्रीम डाल दी है। क्रीम क्योंकि मीठी है तो मुझे कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्रीम से क्या होता है, थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। आप देखेंगे ना लास्ट में ये पेस्ट्री चार पीस से थोड़ी लंबी और ज़्यादा लंबी दिखेगी चॉकलेट से। सारे स्टेप वही रहेंगे जो हमने चॉकलेट के साथ यूज़ किए थे। बस चार से पांच स्लाइस आप ब्रेड रख दीजिए, इसमें चार स्लाइस ब्रेड के रखिए, कितनी हाइट बढ़िया हो गई है इसकी। अब ऊपर से भी हमें वही क्रीम लगाकर इसे पूरा अच्छे से रैप कर देना चारों तरफ, पूरी फिनिशिंग करके हमें फाइनल टच इसको देना है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत ही जरूरी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कोन के अंदर हम क्या करते हैं, क्रीम भरते हैं और इसके अंदर हम नोजल डाल देते हैं। कई बार गलती क्या हो जाती है, हमें नोजल से दूसरी डिजाइन देनी है तो हमें नोजल बदलें कैसे, या फिर कई बार कोन फट जाता है। तो आपको क्या करना होगा, एक कोन में आप भर दीजिए क्रीम, दूसरे कोन में डाल दीजिए कट करके नोजल। उससे क्या आप नोजल भी चेंज कर सकते हैं, आपका कोन इतना बढ़िया फिनिशिंग भी देता है और कभी फटता भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता। कोन ना हो तो दूध की थैली भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोजल नहीं हो वो भी मैंने आपको सिखाया है, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे ना क्रीम वाले रिलेटेड, तो सब आपको मिलेगा नोजल हम घर में कैसे बनाएं। चलिए क्रीम की फिनिशिंग हो गई है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करते ही आपको एहसास होगा कि कितनी सॉफ्ट पेस्ट्री बनने वाली है। लीजिए लेयर वाली इतनी बढ़िया सी पेस्ट्री बनकर तैयार हुई है। अब इसके लिए थोड़ी सी फिनिशिंग तो चाहिए, डिज़ाइन तो चाहिए। चलिए ऊपर से थोड़ी डिज़ाइन दे देते हैं, बिल्कुल सिंपल जो बिगनर्स लगा पाएं। नोजल मैंने एक ही लिया है स्टार वाला और यहाँ पर तीन मैंने स्टार बना दिए हैं। अब आपकी च्वाइस है आप इसमें क्या रखें। मैंने यहाँ पर सेंटर वाले में रख दी हैं चेरीज, और मैंने थोड़े संतरे के साइड वाले छिलके भी हटा दिए हैं पतले वाले, और मैंने यहाँ पर रख दिया संतरा। मेरे पास और तो कुछ आज है नहीं। मैंने क्या किया है, पाइनएप्पल के जो छिलके होते हैं छोटे छोटे, उनको सजा दिया ग्रीन कलर देकर। लीजिए तैयार हो गया आपका पाइनएप्पल पेस्ट्री।
सिंपल सी, आप इसे फ्रूट पेस्ट्री कह सकते हैं, पाइनएप्पल पेस्ट्री कह सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना, बढ़िया मज़ेदार सी। इसे आप आराम से उठाकर सर्व कर सकते हैं। चलिए अब हम उस चॉकलेट वाली पेस्ट्री को ले आते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट हमने बचा के रखी थी, अब उससे हम डालकर इसको फाइनल टच दे देते हैं। अब बारी आती है कि हम इससे आइसिंग कैसे करें, क्योंकि ये लिक्विड ही लगती है। हमें क्या करना होगा, आधे को मैंने कोन में भरकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, क्योंकि अभी ठंडे हैं बहुत, तो उसमें काफ़ी अच्छी थिक सी हो गई थी। अगर ज़्यादा ठंड ना हो, आपके यहाँ थोड़ी गर्मी हो, तो आप क्या करोगे, इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दोगे। लेकिन मेरे यहाँ तो काफ़ी ठंड है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से वो कोन बढ़िया सेट हो गया है। उसमें भी मैंने उसी तरीके से डबल कोन में डाल दिया है। अब यहाँ भी मैंने पेस्ट्री को काटा है, काट के ही आप समझ गए होंगे कितनी बढ़िया लग रही है। वही मैंने 3 स्टार यहाँ पर भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे मेन चीज जो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, ये पर्ल, छोटे छोटे पर्ल, ये बड़े बड़े पर्ल, ये घर में मैंने कैसे बनाए हैं, ये मैं आपको आज ही रेसिपी दे रही हूँ, माँ ये कैसे करूँ। हमारा जो दूसरा चैनल है MYKK, वहाँ पर आप इसको देख लीजिए, इन पर्ल को मैंने बातों ही बातों में कैसे बना लिया है। तो आप भी ढेर सारे बनाकर रख लीजिए, 6 महीने तक ये स्टोर करके आप बाहर रख सकते हैं, और किसी के ऊपर भी आप इसको सजा सकते हैं। कोई भी पुडिंग बनाइए, कपकेक बनाइए, पेस्ट्री बनाइए, केक बनाइए, अब आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये जो पर्ल मैंने बनाए हुए ना, वो चॉकलेट के साथ कॉन्ट्रास्ट में बड़े सुंदर लग रहे हैं। चलिए, कब बना रहे हो, न्यू ईयर पे बना रहे हो, बर्थडे पार्टी में बना रहे हो, या फिर क्रिसमस पे बना रहे हो, मुझे जरूर बताइए कैसी लगी ये सरल सी रेसिपी आपको। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।